सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सच्चे रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। सफल होने के लिए सफलता के आपकी इच्छा असफलता के डर से अधिक होनी चाहिए। जीवन के हर सुबह आपके पास कुछ शर्तें लेकर आती है, तो जीवन के हर शाम हमें कुछ बेहतरीन तजुर्बे देकर जाती है। 11 दिसंबर 2021 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 7:13 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र रात्रि 10:32 तक रहेगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:41 से 11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर शाम 4:17 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 11 दिसंबर 2021 दिन शनिवार, आपका अत्यधिक भावनात्मक होना और लोगों के लिए तो मददगार है, लेकिन इससे आप कई बार मुसीबत में फंस जाती हैं। ऐसे स्थिति से बाहर आने में अपने पार्टनर की मदद लें या कुछ निजी और गुप्त बातचीत करने का समय है। वित्तीय लाभ होने की उम्मीद है, लेकिन अधिक जोखिम से बचें। बोलने से पहले सोच लें, कहीं किसी करीबी को नाराज ना कर दें। नजदीकी मित्र अथवा संबंधियों के साथ मेल मुलाकात का दौर भी रहेगा। ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। कोई पारिवारिक मसला हल होने से घर का माहौल सुकून और शांति वाला रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम भी बन सकता है। अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर कई बातों का अनुभव भी लेंगे। अटका हुआ पेमेंट या लोगों को दिया हुआ उधार पैसा अचानक से प्राप्त होने से आपकी बड़ी समस्या हल हो सकती है। फिलहाल आप किसी प्रकार के कार्य और मेहनत करेंगे। उसी प्रकार से आपको हल प्राप्त होने वाला है, इसीलिए आलस ना करें। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई ट्रेनिंग प्राप्त हो सकती है, इस कारण उच्च पद मिल सकता है। 7 के कारण आपका मनोबल बना रहेगा। बदलते वातावरण की वजह से सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखें। मरम्मत को अभी टाला नहीं जा सकता। यह समय खिड़कियों कारों आदि को सुधारने के लिए इन धन खर्च करने का है। विद्यार्थी और भाई बहन आपके जीवन में खास भूमिका निभाएंगे, लेकिन आपको नेटवर्किंग के अवसर मिलेंगे। उन लोगों के संपर्क में रहें जो अभी सबसे महत्वपूर्ण है। आज सितारे और किस्मत दोनों आपके पक्ष में हैं। एक स्थिर मन और सही दृष्टिकोण आपको हर तरह से सफल बनाने में मदद करेगा। सफलता आपको हासिल होगी या फिर नहीं, यह बात केवल उस पर निर्भर करती है कि आप खुद सफलता के लिए कितने इच्छुक हैं। सरकार की जिम्मेदारी दरों पर बैठकें, खर्चों पर सरकार में जिम्मेदार पदों व बैठे लोगों के लिए समय कृपालु सिद्ध हो सकता है। प्रतिष्ठा वृद्धि संभव है। गरिष्ठ भोजन से बचें। संतान के संबंध सुखद सूचना मिल सकती है। नौकरी के लिए साक्षात्कार दे रखा है तो उसके बारे में शुभ समाचार मिल सकता है। आराममयी, थोड़े परेशान रह सकते हैं, ध्यान रखें। सावधानियां, जल्दी परिणाम हासिल करने की वजह से गलत रास्तों पर चयन ना करें तथा अपनी मर्यादा का भी ध्यान अवश्य रखें। आपका क्रोधपूर्ण व्यवहार भी आपकी योजनाओं को डगमगा सकता है। वक्त के अनुसार खुद को ढालना बहुत जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। अब यह जरूरी है कि आप अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को स्पष्ट तरीके अपने साथी को बताएं। आपका संचार काफी अस्पष्ट रहा है, जिसने प्रेम और रिश्तों में भ्रम की स्थिति पैदा की है। आज के दिन सभी गलतफहमी को दूर करने के लिए
अपने रिश्ते के जीवन की शक्ति को नवनिकृत करने के लिए एकदम सही है। अपने साथी से कुछ सीख सकते हैं जो कि पूरी तरह से अनपेक्षित और आपको आश्चर्यचकित करने वाला होगा। बात करते हैं करियर की। आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपनी क्षमता को जागृत करना होगा ताकि आपका कार्य क्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके, जिससे कि आप आराम से अपने कार्य को कर सके। दिन के अंत में एक गंभीर वित्तीय लाभ का मौका आपको मिल सकता है। अपने उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन या प्रचार के लिए नए अवसरों का सदुपयोग करें। घरेलू मामलों जैसे टूटी हुई खिड़कियां या खराब बिजली के उपकरण ठीक करने के लिए भी समय निकालें। संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी आपको उत्साह और खुशी प्रदान कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने से सफलता आपके कदम चूमेगी। अपनी मानसिक शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग करके आप धन और भौतिक सुरक्षा के मामलों में समृद्ध हो सकते हैं। अपने करियर में करने के लिए यह समय उपयुक्त है। कुछ रोमांचक वित्तीय सौदे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी ड्रीम जॉब भी आपको मिल सकता है, बस धैर्य रखें और सतर्क रहें। इस समय का कोई नया प्रसाद हो सकता है। व्यवसाय में विस्तार करने अथवा किसी नए काम को शुरू करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। शेयर तथा तेजी मंदी कार्यों के अनुसार तेजी मंदी जैसे कार्यों में अनुकूलता हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। युवा, देखने का राज किसी सर्जन के चाकू में नहीं है, बल्कि सर्जरी से युवा नहीं दिखा जा सकता। सबकी इतनी इसकी कुंजी अच्छा और संतुलन खाना है। जंक फूड से दूर रहें, खूब फल सब्जियां खाएं और बहुत सारा पानी पिए। बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। और सेहत के लिए अच्छा तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आज का उपाय, गरीबों को काले कपड़ों का दान करें, आज शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।